नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बिहार सचिवालय का करंट अफेयर का पैठियर तीसरा दोस्तों पहला दूसरा नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहला दूसरा जगह मिले, वहाँ से पहला दूसरा देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। एक नंबर से क्या है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या प्रश्न है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एक का सही आंसर देख लेते हैं। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागन बीघा बिहार शरीफ। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, भागन बीघा बिहार शरीफ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर देख लेते हैं। दो नंबर प्रश्न क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सबसे जिला का पुरस्कार दिया गया? क्या प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सबसे जिला का पुरस्कार दिया गया? तो देख सकते हैं दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण सही आंसर होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सबसे जिला का पुरस्कार दिया गया था, पूर्वी चंपारण को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीन नंबर। तीन नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या प्रश्न है, बिहार के पूर्व हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीन का देख लेते हैं। तीन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चार नंबर। चार नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख लेते हैं चार का सही आंसर क्या हो जाएगा, चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर सुबहानी। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, आमिर सुबहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच नंबर चलते हैं। पाँच नंबर प्रश्न क्या है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्रा और किस अखबार का प्रकाशन करेगी? क्या प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राओं छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी? देख लेते हैं पाँच का सही आंसर क्या हो जाएगा, पाँच नंबर का, पाँच नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवार अखबार। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, दीवार अखबार। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी, दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर देखते हैं। छः नंबर प्रश्न क्या है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधक संस्थान किस राज्य में खोला जाए? क्या प्रश्न है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? तो छः का देख लेते हैं, छः नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, छः नंबर का, छः का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार सही आंसर होगा। भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा, बिहार राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सात नंबर। सातवां प्रश्न क्या है, 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया? क्या प्रश्न है, 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? देख लेते हैं सात का सही आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर का, सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आठ नंबर। आठ नंबर प्रश्न क्या है, हैदराबाद में आयोजित पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान की फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्या प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान को फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देख लेते हैं आठ का सही आंसर क्या हो जाएगा, आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अनिल कुमार। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अनिल कुमार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर देखते हैं। नाइन नंबर प्रश्न क्या है, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? क्या प्रश्न है, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो नाइन नंबर का देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा,
नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैमूर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी कैमूर सही आंसर होगा। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कैमूर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दस नंबर प्रश्न है, महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिकल दो पहियों वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई? क्या प्रश्न है? महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिकल दो पहियों वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो देख लेते हैं, दस नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। दस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? क्या प्रश्न है? राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? देख लेते हैं, 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री ग्रामीण ग्राम संपर्क योजना सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या है बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? क्या प्रश्न है? बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो 12 का देख लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 8 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न क्या है बिहार का पहला बेमू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? क्या प्रश्न है? बिहार का पहला बेमू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? 13 का देख लेते सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया, सही इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या है बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पसरी 2022 से सम्मानित किया गया है? क्या प्रश्न है? बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पसरी 2022 से सम्मान से सम्मानित किया गया है? देख लेते हैं 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या है बिहार के किस जिले को ट्रांजिस्टर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप nachbaja.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? क्या प्रश्न है? बिहार के किस जिले के ट्रांजिस्टर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप nachbaja.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो 15 का देख लेते सही से क्या हो जाएगा। 15 का सही से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्या सही से होगा? ऑप्शन नंबर ए पटना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न क्या है नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले का प्राप्त हुआ है? क्या प्रश्न है? नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ है? देखते हैं 16 नंबर का सही आंसर क्या है। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खगड़िया। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी खगड़िया सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर प्रश्न क्या है गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान के आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकियों को पहला स्थान प्राप्त हुआ? क्या प्रश्न है? गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह के में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकियों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? देख लेते हैं 17 नंबर का सही आंसर क्या है। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर
98% क्या है, 98% क्या है, मैथिली भाषा में अंशु बनी परिसरी जाएब के लिए साहित्य अकादमी अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। क्या प्रश्न है, मैथिली भाषा में अंशु बनी परिसरी जाएबा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। देखते हैं 18 नंबर का सही आंसर क्या है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमित मिश्र। क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी अमित मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न क्या है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाए। क्या प्रश्न है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। 19 का देख लेते सही आंसर क्या है, 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए पटना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न क्या है, कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान से प्रदान किया गया। क्या प्रश्न है, कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है। देखते हैं 20 नंबर का सही आंसर क्या है, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। क्या सही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मुकुंद कुमार सी सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखते हैं, 21 नंबर से क्या है, 21 नंबर से क्या है, बिहार राज्य के पिछले वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या प्रश्न है, बिहार राज्य के पिछले वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति संजय कुमार। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति संजय कुमार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, 22 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में उपन्यास मेला अंचल जापानी भाषा में दोनों सुसो मेला पल्लू के नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक हैं। क्या प्रश्न है, हाल ही में उपन्यास मेला अंचल जापानी भाषा में दोनों सुसो मेला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक हैं। तो 22 का देख लेते सही आंसर क्या है, 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर, 23 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। क्या प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। 23 का देख लेते सही आंसर क्या है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिहार सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है, तो बिहार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 यानी 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया। क्या प्रश्न है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया। देखते हैं 24 यानी 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए पटना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 यानी 25 नंबर, 25 नंबर यानी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्राध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है। क्या प्रश्न है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय में प्राध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है। तो देख लेते हैं 25 नंबर का सही आंसर क्या है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार। क्या सही आंसर है, ऑप्शन में विनोद कुमार सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 यानी 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न क्या है, 26 नंबर प्रश्न क्या है, किस जिले के गांधी मैदान नेशनल हेडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। क्या प्रश्न है,
किस जिले के गांधी मैदान नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। तो देख ले 26 नंबर का सही आंसर क्या है, 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना। क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी पटना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सम्मिलित है। क्या प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सम्मिलित है। देखते हैं 27 नंबर का सही आंसर क्या है, 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही आंसर है, यानी ए भी होगा बी भी होगा सी है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखते हैं, 28 नंबर क्या है, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात कटोना पहाड़ी नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्या प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात कटोना पहाड़ी नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देख लेते हैं 28 का सही आंसर क्या है, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमुई। क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जमुई सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर से क्या है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी के बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्या प्रश्न है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी के बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं 29 नंबर का सही आंसर क्या है, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छठा। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी छठा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या है, 30 नंबर प्रश्न क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021-10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना पर उपयोगिता क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं 30 नंबर का सही आंसर क्या है, 30 का सही आंसर है ऑप्शन में ए पहला। क्या सही आंसर है, ऑप्शन में ए पहला सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जायका कितने करोड़ रुपये तक कर देने के लिए तैयार हो गई है। क्या प्रश्न है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन ने एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जायका कितने करोड़ रुपये तक कर देने के लिए तैयार हो गई है। देखते हैं 21 नंबर का सही आंसर क्या है, 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8000 करोड़ रुपये। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 8000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल निर्धारित किया गया। क्या प्रश्न है, बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया। देखते हैं 32 नंबर का सही आंसर क्या है, 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न क्या है, संस्थान वीडी ग्रुप प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्या प्रश्न है संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखते हैं 33 नंबर का सही आंसर क्या है, 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश गुजेला। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश गुजेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न क्या है, 34 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा। क्या प्रश्न है,
हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा। देखते हैं 34 नंबर का सही आंसर क्या है। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा, इसी उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या है। जल जीवन हरियाली परियोजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी के गांध हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? क्या प्रश्न है? जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी को गांध हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? देखते हैं 35 नंबर का सही आंसर क्या है। 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या है। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या प्रश्न है? नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 36 का देख लेते सही आंसर क्या है। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या है। अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं? क्या प्रश्न है? अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं। तो देख लेते 37 नंबर का सही आंसर क्या है। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीयूष पांडे। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर डी पीयूष पांडे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या है। 38 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाई भेजी जा रही है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाई भेजी जा रही है? देखते हैं 38 का सही आंसर क्या है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए बिहार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। लेटेस्ट इंस्पायर बिहार LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? क्या प्रश्न? लेटेस्ट इंस्पायर बिहार एवं LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? देखते हैं 39 नंबर का सही आंसर क्या है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? ऑप्शन ए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है। बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने एवं जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? क्या प्रश्न है? बिहार में कानून व्यवस्था और बेहतर करने की जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो 40 का देख लेते सही आंसर क्या है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह दर्शन। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी गृह दर्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर से क्या है। 41 नंबर प्रश्न क्या है। छात्राओं को सैनिटरी नेपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? क्या प्रश्न है? छात्राओं को सैनिटरी नेपकिन खरीदने के हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो देख लेते हैं 41 यानी 41 का सही आंसर क्या है। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है। 42 नंबर प्रश्न क्या है। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार के बदले नारी का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? क्या प्रश्न है? बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नारी का व्यवसाय करने के लिए
के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? देख लेते हैं 42 यानी 42 का सही आंसर क्या है, 42 नंबर का, 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपये। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, 43 नंबर से क्या है, कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथि का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? देखते हैं 43 नंबर का सही आंसर क्या है, 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी भाई जितेंद्र सिंह। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन वन बी भाई राजेंद्र सिंह। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में भी भाई राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में देखते हैं, 44 में प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? क्या प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग का अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो 44 नंबर का देख लेते सही आंसर क्या है, यानी 44 का, 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिहार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 45 देख लेते सही आंसर क्या, 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सत्य है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसलिए दोनों कथन सत्य है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र है? क्या प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वृक्षावरण का क्षेत्र है? देख लेते हैं 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2341 वर्ग किलोमीटर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी 2341 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में देखते हैं, 47 नंबर से क्या है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? क्या प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? देख लेते हैं 47 नंबर का सही आंसर क्या है, 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 80.76%। क्या सही आंसर है, 80.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, 48 नंबर से क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? क्या प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है था? देख लेते हैं 48 का सही आंसर क्या है, 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 61.2%। क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 61.2% सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 में स्थिर मूल्य का कितना था? क्या प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? देखते हैं 49 का सही आंसर क्या है, 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 566.47 हज़ार करोड़। क्या सही आंसर है, ऑप्शन ए 566.47 हज़ार करोड़ रुपया, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब वीडियो क्लास क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार
आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। क्या प्रश्न है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 11-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो 50 का देख लेते सही आंसर क्या है। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34,314 रुपया। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी 34,314 रुपया सही आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।